ये नज़ारा देख के ना तो दिल खुश हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे गार्डन में येलो कलर की ना चटाई बिछ गई हो और इतने पत्ते गिरे ना, मस्त दिख रहे एकदम। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? और मैं बनाने जा रही हूँ अभी मेथी के पराठे। मेथी का अभी सीज़न चल रहा है तो मेथी के पराठे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी ना मैं लेने के लिए आई हूँ लहसुन और लहसुन के पत्ते। तो ये सारे जो लहसुन मैंने लगाए हैं ना, उन्हीं के पत्ते मैं ले जाऊँगी और उन्हीं को मिक्स करूँगी पराठे बनाने के लिए। और उनको थोड़ा सा कूट के अच्छे से उस पराठे के बैटर में डालूँगी और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और इसके अंदर इतना भरपूर आयरन और विटामिन सी वगैरह होता है ना, बहुत हेल्दी रहती है और सर्दियों में खाने के लिए तो बेस्ट है। और खुद से घर में लगाया होता तो और भी अच्छा। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसकी चटनी वगैरह भी। और मैं सोच रही थोड़े से और लगा दूँ, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे ना मैंने एक टी शर्ट लगा रखी है ताकि मंकी ना आए और मंकी ना खाए, बट ऐसा होता नहीं है। और सारी मेथी को मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से कट कर लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी धनिया पत्ता, लहसुन के पत्ते, मिर्ची, तीखी वाली मिर्ची मैं नहीं ले रही हूँ। और मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल लहसुन को कूट के, हल्दी, धनिया और फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और हरी वाली बिना तीखी वाली मिर्च, और थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा नमक। बस इतनी चीज़ों को मैं अच्छे से मिला के और इसका एक डो रेडी कर लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी पराठे। और कहीं ट्रैवलिंग वगैरह के लिए भी सर्दियों में ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ना, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेथी के पराठे रख लो, थेपले वगैरह, और चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है खाने का। मेथी के पराठों को बनाने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल पराठों के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसको थोड़ा दबा दबा के सेकना पड़ता है, नहीं तो वो थोड़े कच्चे रह जाते हैं। मीडियम लो फ्लेम पे इसको सेकती हूँ मैं, तो इस तरह से क्रिस्पी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। और अभी मैं अपने गार्डन में जहाँ पर मैंने पानी नहीं दे रखा है वहाँ सब जगह मैंने पानी दे दिया है। और एक बार गार्डन का काम करने के लिए अगर जाओ तो उसके बाद फिर टाइम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर करने के लिए। और ये आम का पेड़ भी थोड़ा सा सूख रहा था तो इसको भी मैंने पानी दे दिया है। और लंच में बनाने के लिए भी मैंने चावल दाल के साथ सोचा मेथी के कटलेट बनाऊं, और उसके लिए मैंने लिया है थोड़ी सी सूखी मिर्च को तोड़ के, थोड़ा लाल मिर्च, धनिया, नमक और जीरा, इन सबको मैंने अच्छे से मिला के उसका कटलेट या फिर आप जो भी बोलते हो बचका वगैरह। और इसके अंदर ना मेथी को आटे के साथ मिक्स करके बनाया जाता है और मैं इसके लिए ले रही हूँ 1 कप जितना आटा, और उसको मैं अच्छे से इन सब चीज़ों के साथ मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, और ये इसमें आटे की क्वांटिटी कम होगी, मेथी का क्वांटिटी ज़्यादा होगा। और इसको अच्छे से थोड़ा सा पतला, हल्का पतला बैटर, इतना कि उसको कटलेट की तरह बनाया जा सके वैसा बैटर मैंने बना लिया है। और इसको शैलो फ्राई करूँगी तवे पे इस तरह से, और चारों तरफ रख के उसको ढक ढक के मैं सेक लेने वाली हूँ। और इसको ना एकदम शैलो फ्राई ही करना रहता है, शैलो फ्राई भी नहीं कह सकते, एकदम हल्का हल्का ऑयल डाल डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे ही ढक ढक के उसको सेक लेना होता है। तो ये जब अच्छे से रेडी हो जाते हैं तो इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, रोटी या चावल। और कायरा मुझे बार बार खींच रही है, उसके पापा आ गए इसलिए। और बाकी का सारा कटलेट भी मैंने ऐसे ही करके बना लिया। इसको हमारे यहाँ पे बचका बोलते हैं, बट आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे बताएं। अब बस ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, और ये हो गया है रेडी, बहुत अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। हाँ, हैप्पी हैप्पी। और अभी हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, उसके लिए हम आए हैं। और थोड़ा सा भी घर से बाहर जाते हैं ना तो बहुत खुश हो जाती है कायरा, उसे बहुत अच्छा लगता है।
तो हम कोशिश करते हैं उसको ले जाए कहीं, थोड़ा सा घुमा के ले आए। चॉकलेट लेके घूम रही है, पिटाई लगा देंगे अंकल। गजक और ये उस पर नहीं बैठना है, उस पर वो बैठने का नहीं है, होगा ना इधर ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।